होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर वार करते हुए कहा कि अगर पड़ोसी देश आतंकवादियों को सपोर्ट करना बंद करेगा तो साउथ एशिया में सुरक्षा में सुधार होगा। आईएएस ऑफिसर डीके रवि की मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग संसद के दोनों सदनों में उठने पर राजनाथ सिंह ने कहा कि कर्नाटक सरकार की तरफ से ऐसा कहे जाने पर केंद्र इसका आदेश देगा। लैंड एक्विजिशन बिल को राजनीतिक रंग नहीं देने का आग्रह करते हुए नितिन गडकरी ने सोनिया गांधी और अन्ना हजारे समेत कई नेताओं को किसी भी मंच पर खुली चर्चा के लिए पत्र लिखा। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी समर्थक कदमों के चलते पैदा हुए विवादों के बीच अमित शाह ने कहा कि कश्मीर मुद्दा नहीं सुलझा तो उनकी पार्टी पीडीपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आपका रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए इलेक्शन कमीशन को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए बैठकों का सिलसिला जारी रहा। दोनों गुटों ने पार्टी के विस्तार के बारे में भी चर्चा की। मुंबई शेयर बाजार का सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में करीब 350 अंक उछला। ऐसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की उदार मौद्रिक नीति की पहल के मद्देनजर वैश्विक बाजारों में मजबूत रुझान के बीच हुआ। वेस्टइंडीज बॉलर्स कार्टली एम्ब्रोस ने कहा कि वनडे क्रिकेट के रूल बैट्समैन के फेवर में है कि टीम्स बॉलिंग के लिए बॉलर्स मशीन का यूज कर रही है। बॉलीवुड की रोमांटिक थ्रिलर बॉम्बे वेलवेट का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इसमें रणवीर कपूर जबरदस्त एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं। ट्यूनिशिया में म्यूजियम पे हुए टेरर अटैक में 22 लोगों की मौत हो गई है जिनमें 20 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।